क्या आप जानते हैं कि ऐसी फिल्म के बारे में जो एक ही नाम से अलग अलग सदियों में रिलीज हुई और सबसे मजेदार बात यह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के कपूर खानदान के तीन अभिनेता अलग अलग सदियों में नजर आए तो है ना ये चौंकाने वाली बात जिसकी जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं तो इस फिल्म का नाम है राजकुमार राजकुमार यानी एक राजा जो आगे चलकर बड़ा राजा बनने वाला है खैर इस नाम की तीन फिल्में बनी अलग-अलग सदियों में तो आइए आपको बताता हूँ क्या है राजकुमार की अनजानी कहानी तो सबसे पहले फिल्म राजकुमार बनी थी 1964 में जिस फिल्म में हीरो थे शमी कपूर और खास बात है कि इस फिल्म में शमी कपूर के साथ उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भी थे हीरोइन थी साधना फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर रही खासकर इसके गाने जो आज तक क्लासिक हैं खैर राजकुमार बनी और उसके बाद 1969 में राजकुमार का इंग्लिश वर्ड यानी प्रिंस के नाम से भी शम्मी कपूर की एक और फिल्म आई जहां उनके साथ थे वैजंती माला भाई शम्मी कपूर को तो लगता है राजकुमार और प्रिंस की पदवी नाइनटीन में मिल चुकी थी इसके बाद राजकुमार पे फिल्में तो बनी पर राजकुमार टाइटल से कोई फिल्म नहीं बनी फिर साल आया 1996 जब एक बार फिर से राजकुमार बनी और इस बार हीरो थे अनिल कपूर भाई एक और कपूर जिनका कपूर खानदान के साथ थोड़ा रिलेशन था जहां रिश्तेदारी में अनिल कपूर राज कपूर की फैमिली से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे 90s में अनिल कपूर हमारे देश के जाने पहचाने कलाकार थे और उनके साथ थी उनकी हिट जोड़ीदार माधुरी दीक्षित लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही यहाँ तक कि अनिल कपूर के करियर में रूप के नानी चोरों का राजा और राजकुमार बहुत ही सुपर फ्लॉप फिल्म थी खैर कोई बात नहीं ये फिल्म चर्चा में रही अपने भव्य सेट्स और संगीत के लिए और उसके बाद आया 2013 वक्त बदला लेकिन लगता है राजकुमार टाइटल एक बार फिर से बनने के लिए तैयार था तो राजकुमार एक बार फिर से बनी इस बार शाहिद कपूर के साथ जिसमें उनके साथ थी सोनाक्षी सिन्हा भाई इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट थे खासकर साड़ी के फॉल्स सा और ढेर सारे और गाने। पर फिल्म सुपर हिट रही और ये बात दूर हो गई कि अनिल कपूर की फ्लॉप राजकुमार के बाद राजकुमार हिट रही तो भाई ये थी राजकुमार की कहानी जो मैंने आपको सुनाई वैसे इस फिल्म में राजकुमार की स्पेलिंग थोड़ी बदली हुई थी डबल आर लगाकर प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को रिलीज किया खैर जो भी हो राजकुमार की ये कहानी काफी पसंद आई और एक बार फिर से प्रूव हो गया कि राजकुमार नाम हिट होता है राजा महाराजाओं की कहानी हमेशा हमारे देश में पसंद की जाती है और राजकुमार टाइटल से जुड़ी हुई और कपूर खानदान से उनके कनेक्शन के बारे में अनजानी बात मैंने आपको बताई तो जुड़े रहिए हमारे साथ फॉलो कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए ढेर सारा प्यार और अपना साथ